नमस्कार, बादल की बस में बेबस महिलाएं, पेशकश में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। और मैं हूं आपके साथ अमन गिल। दिल्ली की एक बस में हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और बसों को और ज्यादा सुरक्षित करने की कवायद तेज हुई थी। लेकिन इन सभी कोशिशों ने आज उस वक्त दम तोड़ दिया जब बस से एक 14 साल की बच्ची को धक्का दिया गया और उसने सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना पर संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। दरअसल जिस बस में छेड़छाड़ की घटना हुई है वो बादल परिवार की है। ऐसे में हंगामा सियासी रंग में भी रंग चुका है। तमाम सियासी पार्टियों ने इस मुद्दे पर पंजाब की बादल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों बादल की बस में बेबस है महिलाएं। पंजाब के मोगा में प्राइवेट बस में 14 साल की एक मासूम और उसकी मां के साथ हैवानियत हुई। बस में मां बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और जब दोनों ने अपने साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया तो दोनों को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया, जिसमें 14 साल की मासूम की मौत हो गई है जबकि मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पंजाब के मोगा में वहशीपन की इंतहा पार हो गई। मोगा में एक और निर्भया कांड हुआ है। इस कांड ने 14 साल की मासूम की जान ले ली तो वहीं दूसरी तरफ उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दरअसल बुधवार शाम को एक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ निजी बस में सवार होकर बठिंडा के रास्ते पड़ते गांव कोठे गुरुसर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बस में महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़खानी शुरू हो गई। मामला इतने पर ही शांत नहीं हुआ। महिला और उसकी बेटी ने जब इसका विरोध किया तो बस के कंडक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर माँ बेटी को बस से नीचे फेंक दिया। इस घटना में बेटी की मौत हो गई जबकि माँ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन्होंने छेड़ दे सीगे मुंडे बच्चे बस में। अच्छा, उसके बाद कंडक्टर सीगा एक और थी, उसके बाद इन्होंने धक्का दिया गया बस में से धक्का दिया। हाँ, कौन कौन थे ये? दो जाने सी माँ बेटी। अच्छा, बेटा से जेड़ा वो अगे सी उन्हें कोई पता ही नहीं लग गया उन्होंने। तभी मेरी माँ ना मेरी बेटी ना की हो रहा है, भैन ना पीछे बेटा नौवीं चा जी हूँ होया है। बेटी 13 साल की है जी, उसकी डेथ हो गई जी धक्का दे अनुसार। हाँ जी, पढ़ती सी सातवीं च हूँ हुई है। बस नहीं चढ़ी है कि डिगन? नहीं जी, उन्होंने डिगन सार जो धक्का देता उस सर की मौत हुई। इलाज के दौरान जब सिविल अस्पताल में महिला को होश आया तो उसने बताया कि बस के कंडक्टर ने थोड़ी दूरी पर जाकर उसके बेटे को बस से उतार दिया और फिर उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बस में मौजूद किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। धक्का देने वालों में बस का कंडक्टर भी शामिल था। क्या हुआ, क्या था, आप कहां से कहां जा रहे थे? असी गुरु के कोठे जा रहे सीगे। कहां से बैठे थे आप? असी वीरे बैठे सी मोगे चो, चौंक चो, मोगे वाले चौंक चो। की होया फिर, बस किथे गल हुई सारी? ए गल वीरे जी तो टूल टैक्सा उदू गांव जाके गल हुई है। सानू इन्हां हत्थों पाई होए तो साढ़े तो औरतों कर किसी कुछ होया नहीं। वो बंदे सीगे ते बस दे विच किसी ने रोकिया नहीं? किसी ने नहीं रोकिया वीरे। फिर किवें तुसीं बाहर आए? असी वीरे बाहर आए, सानू धक्का दिता गया। किने धक्का दिता? धक्का जिहड़े कंडक्टर सी। की किया, कारण की होया, क्यों धक्का लगा रहे? धक्का वीरे दिता जदों छेड़खानी करदे सी कुड़ी बारे। मैं इन्होंने कहा भी तुम मेरी कुड़ी ने ना कुछ कहो। फिर इन्होंने मैंने धक्का पहला लड़के ने धक्का देता, बाद च मैं देता। इस घटना के मीडिया में आने के बाद आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों मुकदमा दर्ज करता गया। जख्मी जी लेडी है सिंदर कौर के बयान से तीन व्यक्तियों के खिलाफ, तो उन्होंने दो पुलिस वालों रौड़ा भी कर लिया गया जिन्हें पूछगिछ हाई लैवल से हो रही है। जो भी ये परपेट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाई नेम मामला दर्ज किया गया? उन्होंने जो तो बाई नेम नहीं लिखाया थी, अननोन ही थी, पर पुलिस ने ट्रेस कर लिया। जो बंदे अरेस्ट किए दो कड़े कड़े है बस के, कोई ड्राइवर कनैक्टर या कुछ हो? एक कनैक्टर एक नाल खलासी है। सर ये कोई एससी एक्ट लगवाता भी कर रहे हैं? एससी एक्ट भी लगता गया आपको। लेकिन बस में हुई शर्मनाक घटना ने इंसानियत को एक बार फिर तार तार कर दिया। समाज का वो बदसूरत चेहरा एक बार फिर से सामने ला दिया जिसमें महिला सुरक्षा के दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए।
हैरानी बस में सवार लोगों के रवैये पर भी है, जो सब कुछ देखते रहे लेकिन महिला की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मोगा से नवल गर्ग, फोकस हरियाणा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसे निंदनीय बताया है। वहीं विपक्ष की ओर से इस हमले पर जमकर इस मसले पर हल्ला भी बोला जा रहा है। बसपा और आपने इस घटना को शर्मनाक बताया है और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया है। मोगा में बस में हुई छेड़छाड़ की घटना की पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने निंदा की है। बादल ने माना है कि ये घटना शर्मनाक है और उन्हें इस घटना से काफी दुख पहुंचा है। बादल ने विपक्षी पार्टियों से इस पर राजनीति ना करने को कहा है। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और उसका जो कानून है, कुछ आदमी पकड़ लिए हैं, कुछ पकड़ लेंगे और जे जिसने किया, देखो दुर्घटना होती है उसे हम तो नहीं कोई ऐसी चीज को कदे कोई हम अच्छा समझते हैं, आप समझे हम जो सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ, सबको दुख हुआ, इंसानियत को दुख हुआ। सीएम बादल ने राजनीति ना करने की अपील तो कर दी लेकिन विपक्ष भला इस मुद्दे पर कहां चुप बैठने वाला, लिहाजा विपक्षी पार्टियों की ओर से जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। जिस बस में छेड़छाड़ की घटना हुई वो बादल परिवार की है, ऐसे में हंगामा और भी ज्यादा हो रहा है। मोगा कांड को लेकर पंजाब कांग्रेस ने सीएम आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पंजाबी हमेशा से इज्जत के रखवाले माने जाते रहे हैं, जहां कहीं भी पंजाबी बैठा था, चाहे वो बस में था, चाहे वो रेलवे डब्बे में कहीं भी था, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और खास करके हमारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। परंतु पिछले 8 साल में इस अकाली बीजेपी सरकार के चलते हुए, क्योंकि इनका जो पूरा वजूद है ये इलेक्शन इस माफिया तंत्र के दम पे, चाहे वो ड्रग सिंडिकेट है, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो लिकर माफिया है, इन लोगों के साथ इनके संबंध हैं, यही लोग इनको इलेक्शन में पैसा देते हैं। ड्रग माफिया के ब्लैकमेलिंग और इनका आपस में जो नेक्सस है, इस बिकम ए विशियस सर्कल, इसके चलते हुए, राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए आज ये जो बदमाश एलिमेंट है पंजाब के अंदर दबंगी तरीके से आज दंदनाते घूम रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर गोली इन लोगों ने चलाई है। बादल दी सरकार ते बादल दा जो निजी व्यापार, ये सारा पूरी तरह नाल पंजाब दा दुश्मन बनिया नजर आउंदा है, क्योंकि इस तरह दे बेडरे एक मुख्यमंत्री दी बस होवे, ट्रांसपोर्ट होवे, उन्हां विच इस तरह दी बदसलूकी किसी औरत नाल, लड़की मां दी जान गवाउणी पई छाला मार के होवे, तां इहदों वड्डी मैं शर्म दी गल है नहीं। खुद अपने घर च अपने पीढ़ी थले सोटा फेरन, ਇਹ ਬਾਹਰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਦੱਸਣ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਆ ਹੀ, ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੋ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਮਹਿਲਾਏ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਰਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3:30 ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਗੇ ਜੀ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मोगा घटना की बसपा और आम आदमी पार्टी ने भी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, गंभीर घटना, काफी दुखदायक घटना घटी है। तो इस घटना के बारे में जो हमको जानकारी ये मिल रही है कि जो पंजाब सरकार के जो मुखिया हैं, तो उनके ही किसी परिवार के कंपनी की वो बस थी जिसमें ये वारदात हुई है, और जो माँ बेटी है उनके साथ पहले छेड़छाड़ किया गया, और जब माँ बेटी ने विरोध किया तो
तो उनको फिर चलती बस में से उनको फेंक दिया गया। हमें नहीं लग रहा है कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट उनको कोई न्याय दे पाएगी, इसलिए इसकी जो है उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए बहुत ही शर्मनाक है, जो बादलों की जो बसें हैं ऑर्बिट कंपनी की, उनकी गुंडागर्दी तो पहले ही बहुत फेमस थी पंजाब में, कि कोई भी ट्रैफिक का रूल का ये पालन नहीं करते और हर रोज़ दो तीन आदमियों को सड़क पर कुचलकर जो चले जाते हैं, गाड़ी भी नहीं रोकते। अगर किसी की मौत हो जाए हादसे में, पुलिस को फ़ोन कर देता है ड्राइवर कि एक आदमी की डेथ हो गई, उसके परिवार के साथ बात कर लेना वरना हमारा टाइम जो है वो लेट हो रहा है तो हम आगे चले गए। तो अब तो इंतहा होगी सरकारी गुंडागर्दी की कि इनकी बसों में ऐसे अनसर गुंडे जो छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर उनको बस से फेंक देते हैं। मोगा में चलती बस में छेड़छाड़ की घटना में भले ही सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल नहीं है, यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण पर भी सवाल है, इस तरह के व्यापार पर भी सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। शशिकांत जी, एक्स डीजीपी जेल पंजाब हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। लाली मजिठिया जी महासचिव हैं पंजाब कांग्रेस के, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीत जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी। और बलजीत बल्ली साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा में कई अहम सवाल हैं जो आम आदमी भी जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं, और उसके जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूंकि वो सत्ता में साझेदार हैं, उनको देना होगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले पहले रुक रहे हैं, उसके बाद सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।